एक परिवार जंगल में कैंपिंग के लिए गया था। माता पिता अपने दो बच्चों, एक बेटी और एक बेटे के साथ जंगल में टहल रहे थे। माँ देखो पानी कितना साफ है। हाँ बेटा, लेकिन ध्यान से खेलो। अचानक छोटा लड़का फिसलकर एक अंधेरी नदी में गिर गया। बेटा तुम ठीक हो? अरे ये क्या? जब पिता ने लड़के को पकड़ा तो वह उसे पहचान नहीं पाया। उसका चेहरा अजीब और डरावना लग रहा था। माँ मुझे बचाओ। माँ ने देखा कि लड़के के शरीर से काले धुएं की लहरें उठ रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह उसका बेटा है या कोई और। तभी जंगल में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। माँ ने देखा कि नदी के पास एक परछाई खड़ी थी। तुम्हें हमें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अगले दिन जंगल में एक खाली तंबू मिला, लेकिन परिवार का कोई निशान नहीं था। लोग कहते हैं कि उस नदी में कुछ ऐसा है जो लोगों को अपने अंदर खींच लेता है और उन्हें कभी वापस नहीं आने देता। उस परिवार का क्या हुआ, यह आज भी एक रहस्य है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगली बार जब आप कैंपिंग पर जाएं तो सावधान रहें। कौन जानता है किस मोड़ पर क्या मिल जाए।